कहेंगे आज आपकी फिल्म का मुहूर्त हुआ बिन के धुन? पहले तो सारे जितने मेरे श्रोता दर्शक हैं सभी लोग को नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं। और आज बहुत अच्छा दिन है, गुप्त नवरात्र का नामी का दिन है। इस दिन को हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इस बिन के धुन पिक्चर का मुहूर्त आज ही के दिन हम लोग करेंगे। और आई फोकस स्टूडियो में मुंबई में है, ये अंधेरी में हम लोग यहाँ अभी मुहूर्त किए। और अब बिन के धुन से ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर से नाग नागिन की कहानी जुड़ी हुई है। और बाकी तो पिक्चर में विष्णु जी किस तरह सजाते हैं, हम उसे काम करवाते हैं, देखते हैं हम लोग। विष्णु जी, आपने टाइटल कैसे सोचा बिन के धुन? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया है। बिन के धुन से आप जैसे कि आपको जैसे बिन एक साज है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है, और ये बहुत ही सांस्कृतिक वाद्य यंत्र है। ज़माने से न जाने इसका इतिहास कितना पुराना होगा, नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही बीन का नाम आता है तो सपेरा दिखता है कि एक सपेरा होगा जो बीन बजाता होगा और उसके धुन पे नाग नागिन नाचते होंगे। तो मेरी फिल्म नाग नागिन से रिलेटेड है। और चूंकि बहुत सारे टाइटल नाग नागिन और तमाम नाग नागिन पे बहुत सारे टाइटल आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा डिफरेंट कुछ रखना चाहता था। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मेरी फिल्मों के टाइटल्स जो हैं वो थोड़े अलग हो, यूनिक हो। अगर कहीं कोई सर्चिंग करे तो मेरा टाइटल सबसे ऊपर दिखे। मैं फ्रेश टाइटल में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। तो मैं बहुत सोचने के बाद मुझे ये इस नतीजे पे मैं पहुँचा कि ये टाइटल जो है बीन के धुन से एकदम क्लियर होता है कि बीन बजेगा और उससे जो धुन निकलेगी तो नाग नागिन नाचेंगे। तो ये सोच के मैंने इस फिल्म का नाम बीन के धुन रखा है। और इस के साथ दूसरी फिल्म में आपकी कैसा कॉम्बिनेशन है काम? देखिए, अभी 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 मैं बताता हूँ। छोटू जी और हमारा जो रिश्ता है एक बहुत ही अलग तरीके का है। आप भाई भाई कह सकते हैं, एक अच्छा मित्र कह सकते हैं, गुरु शिष्य कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, क्योंकि हमारा इनका रिश्ता जो है बहुत पुराना है। जब बात उन दिनों की है जब मैं सिनेमा में नहीं था, एक दो फिल्में की होंगी, बहुत कम सिनेमा बनता था, और मैं उन दिनों लाइव शो स्टेज प्रोग्राम किया करता था और मैं उसमें एंकरिंग किया करता था। तो छोटू जी वहीं मिले थे मुझे, और ये भी एकदम स्टार्टिंग दौर था इनका, सिंगिंग के लिए ट्राई कर रहे थे। और मंच में करीब रात के 1-1.30 बजे रात में हम इनको एक मौका मिलता था और ये 1-2 गाने भोजपुरी के गाते थे। तो हमारी जो है पहचान हुई इनसे। एक दिन ये गाना गा रहे थे, हाय रे होठलाली हाय रे कजरा, मैंने सुना ये गाना बहुत अच्छा है, मैंने बोला कि आप इसको गाइए। तो एक जो सिलसिला हुआ हम लोगों ने, मैंने इनका गाना रिकॉर्ड कराया, और गाना रिकॉर्ड होकर बहुत स्ट्रगल बहुत संघर्ष के बाद जब वो गाना रिलीज हुआ, तब तक हम लोग काफ़ी क्लोज हो चुके थे। तो एक ऐसा इतिहास बना, सबको पता है, हाय रे होठलाली हाय रे कजरा, तब से हमारा इनका साथ है। तो पहला ऑडियो कैसेट और जो थोड़ा सा मेरा गाइडेंस था उसमें, उसके वीडियो को बहुत अलग तरीके से बनाया गया, उसके गाने में डायलॉग्स डाले गए जो आज भी उस पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं। तो पहली फिल्म हमारी जो इनके साथ हुई गठबंधन प्यार के, उस फिल्म के साथ कई सारी फिल्में आई थी, लेकिन आज भी फिल्म जो है गठबंधन प्यार के जब हमारे फिल्म टीवी पे आती है तो अच्छा रेटिंग करती है, उसकी रिपीट टेलीकास्ट वैल्यू है, और छोटू जी के काम की बहुत ज़्यादा सराहना होती है। तो जी आपसे जानना चाहेंगे जी, कोई ट्रेडिंग स्टार है, कोई पावर स्टार है, कोई देसी स्टार है, अगर यू कहा जाए तो छोटू जी कहीं उठलाली स्टार तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, मैं अपने को ऐसा नहीं मानता, उठलाली स्टार नहीं मानता हूँ। क्यों, उठलाली गाना आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जबरदस्त हिट हुआ था, कुछ दर्शकों को सुनाई नहीं? ठीक है, नहीं मैं अपने पिक्चर के एक लाइन गाना सुनाता हूँ जो इस आज पिक्चर, हर तकोरा कागज ले आदाए जान, हम तो लिख दी जवानी तुहरे नाम, कोरा कागज ले आदाए जान, लिख दी जवानी तुहरे नाम। और बड़ी अच्छे राइटर हमारे उभरते हुए राइटर हैं अर्जुन अकेला जी, उनका लिखा हुआ गाना है। जाते थे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि मेरी बहुत जल्द पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है नाथों के नाथ भोलेनाथ, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और बहुत जल्द हम लोग बिन के धुन पिक्चर को आप लोग के बीच शूट करके प्रस्तुत करने वाले हैं। और आप लोग को नमस्कार प्रणाम, इसी तरह हम लोगों को अपना प्यार लुटाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि गठबंधन प्यार के, उसके बाद हमने छोटू जी के साथ ये पिक्चर किया है अनाथों के नाथ भोलेनाथ, जो कि कंप्लीट है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और
इसके बाद ये फिल्म बीन के धुन, जिसका आज मुहूर्त हुआ है, आप सब देखें, इसे प्यार दे, आशीर्वाद दे, छोटू जी को भी खूब सारे प्यार आशीर्वाद दे। बहुत एक बार इनकी बहुत लंबे गैप के बाद, लंबे अंतराल के बाद इनकी ये दूसरी पारी है सिनेमा जगत में, तो आपका प्यार स्नेह मिलना चाहिए, ऐसी आकांक्षा करते हम आपसे। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।